तो ये क्या बन रहा है? अच्छा दोस्तों, क्या हाल चाल? आज की व्लॉग की शुरुआत भाई दिन में हो रही है। इससे जैसे कि मैंने पहले वाले व्लॉग में ही बताया था कि आज शादी में जाने वाला हूँ, तो आज शादी के लिए तैयार हो गया, निकल चुके हैं शादी में। सो अभी दिन का टाइम है, लगभग 1:30 बज रहे हैं और 1 बजे तक निकल जाना चाहिए था या फिर 12:30 बजे तक निकल जाना चाहिए था। काफ़ी कुछ चीज़ें दिखानी हैं तो इसलिए ना, लेकिन जो भी है बढ़िया है। जिस टाइम पर भी निकल रहे हैं बस पहुंचना सही सलामत चाहिए बस। धूप भी काफ़ी अच्छी खासी लगी है कल, और कलगट वैली में धूप जाने वाली है भाई। ठीक है, टाइम पर पहुंच गया हूं पुसली गांव में, और पुसली गांव में यहां से आगे देखने के बाद में काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी खुली सी जगह में रुका हूं। नीचे को जो गाँव दिखाई दे रहा है ये सासों गाँव दिखाई दे रहा है। सामने आगे आपको खादसियों भी दिखाई दे रहा है, काफ़ी खूबसूरत। वो जैसे वहाँ पर केर्द गाँव हो गया, पोखरी गाँव हो गया, गिंठाली गाँव हो गया, काफ़ी सारे गाँव दिखाई दे रहे हैं सामने। यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं अपने को मुश्किल से, हार्डली लगे हैं 20 मिनट के लगभग लगे हैं। अब मैं तेज़ नहीं चलाता हूँ, जब से वो एक्सीडेंट हुआ था तब से ना, तो बात नहीं, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। शाम के 4 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगा, कि अगर आराम से भी जाऊँगा तो यार 1.5 घंटे में पहुँच ही जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने क्या किया, एक वीडियो एडिटिंग करी और थोड़ी देर में एक्सपोर्ट कम्प्लीट हो जाएगा, फिर अपलोड पर लगा दूँगा। और उसके बाद मैं वहाँ से, मतलब मुझे लगता है पहुँचते पहुँचते तो अपलोड हो ही जाएगी, शाम के टाइम पर रिलीज़ भी हो ही जाएगा। इधर जिस जगह की बात मैं कर रहा था ना, उस जगह पर पहुँच गया हूँ, और थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है। साथ में पीछे कीर्तन भी हो रहा है ना, कीर्तन भी दिखाएंगे आपको। तो वहाँ पर उस साइड में ना खाना बन रहा है, साथ में लोग सर्विंग जो भी है वो सब चीज़ें चल रही है, और नीचे में न्यूता लिखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं कि जब कीर्तन हो रहे हैं ना, यहाँ पर डांस हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो उनको दिखाते हैं एक बार। तो यहाँ पर चल रहा है डांस और कीर्तन। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा ना, जो गांव के लोग होंगे वो सभी आ रखे हैं, सारी लेडीज़ आ रखे हैं। यहाँ पर कीर्तन वजन और डांस हो रहा है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लिप दिखाई है। उसके अलावा अभी ऐसा करते हैं कि जो और चीज़ें हो रही है उसको भी दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर दरअसल न्योता लिखा जा रहा है, जो कि हमारा पहाड़ी कल्चर होता है, तो उसमें जैसे लोग आते हैं तो क्या किया जाता है, न्योतेर जो होते हैं वो सभी कल्चर में, मतलब यहाँ पर न्योता लिख के, और साथ में यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसे, नहीं नहीं वो पंचमेवा शायद ना, तो पंचमेवा मतलब अपने आप उठा सकते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। साथ में दूल्हे जी हैं जो कि यहाँ पे बैठे हैं, जिनकी हल्दी होगी ना, स्नान मतलब होगा, तो ये सब कुछ हो चुका है। थोड़ा सा लेट हो गया था यहाँ पे आने में ना, अब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। इवनिंग का टाइम है भाई, और ठंड भी बढ़ रही है धीरे धीरे, जैसे इवनिंग बढ़ेगी ठंड भी बढ़ती जाएगी, साथ में चाय के चुस्के का मजा ले रहे हैं। यहाँ पर हो रही है पूरी प्रिपरेशन, यानी कि आज का जो डिनर बनेगा ना उसकी तैयारी हो रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें बन रही है, अलग अलग मिठाइयाँ बन रही है, और उस साइड में तंदूर लगा भाई, तंदूर बड़ा मज़ेदार है। और इस साइड में पूरी प्रिपरेशन हो रही है, कर रहे हैं शाम की तैयारी। चाचा जी मिले हैं साथ में, भेटी गाँव का, यानी कि विजय अगर देख रहा होगा ना उसका दोस्त ही मिला भाई। अभी तो ऐसा करता है ना, जैसे जैसे आगे प्रोग्राम चलता जाएगा वैसे आपको दिखाते जाएंगे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा वॉक करके आएंगे थोड़ी देर में, चाय कंप्लीट करने के बाद। तो जहाँ पर शादी हो रही है ना वो ये वाली जगह है। आते वक्त यार मैं काफ़ी जल्दीबाजी में था, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी था कि एक्चुअल में मुझे जाना कहाँ पर, पहली बार आया मैं इस जगह पर, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न सा था कि किस जगह पर जाना भाई आखिरकार। बट जो पीछे दिखाई दे रही है जो जगह, यहाँ पर है भाई फाइनली जो भी है। तो अभी ना बारात की पूरी तैयारी तो हो चुकी है, अब मैं भी बारात में निकल रहा हूँ, लेकिन मैं बाइक से निकलूँगा क्योंकि घर निकलूँगा सीधा। और यार रात को मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि हम दूसरी जगह पे रुके थे रात के टाइम पे ना, तो काफ़ी दूर था यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर हो नहीं पाया मतलब दिखाने का ना। तो अभी ऐसा करते हैं कि चलते हैं और बारात में निकलते हैं, और साथ में दिखाते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों को। सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं शादी के लिए, मतलब कि बारात में जाने वाले हैं, बारात की ऑलमोस्ट तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है, मंदिर बिल्कुल रेडी हो चुका है ना। तो भाई दूल्हे जी भी तैयार हो चुके हैं, और मस्त बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। पार्टीशन से चले थे और अब आके रुके हैं सीधा दमदेवल में, थोड़ा सा धूप सेक रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग गई यार। और अपने साथ में धीरे धीरे पीछे से चाचा चाची और भतीजी, ये लोग भी पहुँच गए। कैसा रहा फिर आप लोगों का सफर यहाँ तक? बहुत अच्छा लग रहा है।
गाड़ी में तो इतना ज्यादा दिक्कत है नहीं, कुछ भी ना? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। और साथ में यहाँ से पीछे हिमालय दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी क्या करेंगे कि ऊपर जाके 3 किलोमीटर आगे चल के हिमालय के लिए मतलब एक पीक पॉइंट है जहाँ से हिमालय बड़ा खूबसूरत दिखता है, और एक और जगह जो बड़ी ही डेंजर है उसको भी दिखाएंगे थोड़ा सा। चाचा कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ के बारे में, बताइए कुछ। उत्तराखंड का कल्चर इतना अच्छा है कि हमें तो पहाड़ी लोग हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, मजबूरी में हमको रोजगार शहरों में रहना पड़ता है, प्लेन्स में जाना पड़ता है। ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है जी, कर रहे हैं हम लोग भी, इसीलिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या करें, तो अपना घर कोई अपना भूमि को कोई छोड़ना नहीं चाहता, कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि यहाँ रोजगार है नहीं इतना कि हम अपना पालन पोषण कर सकें बच्चों का, यही हम बोल सकते हैं। बहुत पॉल्यूशन फ्री एरिया लगता है, सबसे अच्छी ये बात है कि बहुत यहाँ पे पॉल्यूशन है ही नहीं बिल्कुल भी, और नेचुरल चीज़ें हैं, बिल्कुल शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इतनी अच्छी धूप निकली है ठंड होने के बावजूद, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ें। साथ में यहाँ पर काली माता के मंदिर है जो कि हम लोगों की पंचायती देवी है इस पूरे एरिया की, तो यहाँ पर जब 12 साल में पुजाई होती है तो बहुत बड़ी पुजाई होती है जी जी। तो मंदिर यहाँ पर दर्शन करने के लिए बना रखा है, वैसे काली माता का मंदिर ऊपर जंगलों में है, दमदेवल से ना थोड़ा सा ऊपर को आ गया हूँ मैं, और यहाँ से नीचे दमदेवल देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा ना, बहुत ही खूबसूरत। इस साइड में यहाँ गडरी दिखाई दे रहा है, ये साथ में ये सामने आपको दमदेवल दिखाई दे रहा है। हम आए हैं ना, हम उस साइड से आए हैं, वो नौगोखाल वाला रास्ता है जो कि यहाँ से नौगोखाल की जो दूरी है ना दमदेवल से लगभग 15 किलोमीटर के लगभग है, और नौगोखाल से शायद पार्टी से ना वो ऐसी है कुछ 35 किलोमीटर के लगभग होगा। नाव भाई उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर मैं पहुंचना था, बड़ा एडवेंचरस रास्ता था यार, मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ तक पहुंचने का ना, मज़ा आया क्योंकि रोड ख़राब भी थी, पक्की भी थी, अच्छी भी थी, गड्ढे वाली भी थी, जंगलों के बीच से निकल रही थी, बहुत ही मज़ा आया। तो ये है गांव, और यहाँ पर थैलीसन की तरफ में जो यहाँ का पुराना ट्रेडिशन है गढ़वाल का, वो अभी तक है, मतलब अभी तक वो पुराना ट्रेडिशन झलकता है यहाँ पर। तो जैसे अगर आप घर भी देखोगे ना इनके, तो इनके घर अभी भी पत्थरों से बने हैं, और सिल्लियाँ देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ना, और इस साइड में पूरी खेती कर रखी है, कोई भी मतलब बीच में बंजर नहीं है कुछ भी। बीच में ना काफ़ी सारी बहुत खूबसूरत जगह थी, लेकिन यार बीच में रुका नहीं, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था यार, जिस तरीके से रोड थी ना और जंगलों के बीच से निकल के आ रहे थे, तो थोड़ा बहुत मुझे डर भी लग रहा था कि कोई जानवर जूनवर ना दिख जाए, गाय भी मरी थी बीच में, तो और ज़्यादा अंदर से ऐसा हो गया, खौफ सा पैदा हो गया कि यार कहीं तेंदुआ या लेपर्ड लुपर्ड ना मिल जाए, बट जो भी है पहुंच तो गए कम से कम। यार बारात तो पहुंच गई अपनी जगह पर, यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ लंच बन रहा है, यानी कि खाना बन रहा है बारात। तो बारात में पहुंचे हैं, यहाँ पे दादी जी मिली है, तो दादी जी का जो पूरा पहनाव है ना, पूरा ट्रेडिशन है, जो हमारा पुराना कल्चर है ना, बिल्कुल सेम है। क्या क्या बोल दी दादी यहाँ को ना? हाँ हाँ, ये पूरा पहनावा को क्या बोल दी ना? हाँ जी हाँ, कमल। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चादर मतलब एक तरीके से पहनी है, जो हमारा पुराना ट्रेडिशन हुआ करता था। अच्छा गोला मची हो क्या आप, मोटा मोटा? हाँ हाँ, ये गरे चरे। अच्छा चरे। तो शादी तो नीचे हो रही है, अभी पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर भगवान आ रखे ना, तो उनके एक बार दर्शन करने जा रहा हूँ, और साथ में दर्शन भी कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं फॉलोअप कर रहा था, और फाइनली यार मतलब देख लो क्या किस्मत है कि इसी गाँव में आई है बारात, और यहाँ पर भगवान भी आए, तो एक बार दर्शन करके जाते हैं यहाँ से। हाँ जी हाँ, आप भी यखा की ना? बारात में? अच्छा हाँ। अच्छा, तो यहाँ के ले लो फोटो।
हाँ हाँ, ये का घर भी बहुत बढ़िया थी। अच्छा वो ये का मैं यहाँ चाहिए देवता। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जा रहे हैं सभी देवता के दर्शन करने के लिए। जान बढ़ गया देवता के। अच्छा अच्छा, सब देवता की बकरी जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये सब जितना जगह ही घूमता है, मतलब उतना जगह जंदी बकरा। हाँ ना, यू ये नहीं, ये गांव से नहीं हो। जो जहाँ हमारे हमारी बहन बहन रहते हैं ना। हाँ हाँ, उनके सबसे देसी आधानी कहते हैं। देसी आधानी। हाँ अच्छा अच्छा, दादी का पहनावा देखो कितना खूबसूरत है। तो दादी का पहनावा देखो कितना खूबसूरत है। दादी अब एक बार बताओ आपा क्या क्या पहने। ताल बटन मत ही रख के बोल दी आपको। क्या बोल दी आपको जानी कान पर ची। अच्छा मूर्खल गोला मको। अच्छा चवानी। अच्छा ये पुराना सिक्का ची है। पुराना सिक्का। अच्छा पुराना सिक्का ची है। और ये जो सर माला है। ये माला। और यहाँ को ये जो ये पहनी ये भी माला है। ये धोता। अच्छा धोती। धोती गति जानी। धोती गति। अच्छा अच्छा, और ये जो कमर पे बंधी हुई चापा के ये पागुड़ो। क्या पागुड़ो। अच्छा अच्छा, आप बहुत प्यारा लगना था आप। अच्छा अच्छा, तो आप मुर्गा फूट गंदे। हाँ मैं फूटा। अच्छा आप जो बाजार वालों ने गंदे गए। हाँ अच्छा अच्छा, ये दादी बोले चुको। हाँ दादी इन दिखें दो क्या। वो बारात में तो यार बाद में अटेंड फिर से कर लेंगे, अभी के टाइम पर ऐसा करता थोड़ा गांव में ऊपर में चलते हैं और भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पर रहे भगवान जी, एक बार दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। जय भगवान। उधर जा सकते हैं वो करने के लिए। हाँ जा सकते। अच्छा भगवान जी यही है। हाँ कंडी में। अच्छा अच्छा, कृष्ण भगवान जी का चलता है। अच्छा माँ भगवती का। और ये कितने टाइम तक चलता है लगभग। एक डेढ़ महीना हर गांव में घूमते हैं। हाँ अच्छा, मेन जो है मतलब जिस साइड में घूमेगा उस साइड में चलते हैं या कुछ ऐसा है कुछ। यात्रा, यात्रा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसका कुछ बता सकते हैं कि क्यों मतलब क्या है इसकी महत्वता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेसिकली भगवान जी ना हमेशा कंडी में चलते हैं और ये एक से डेढ़ महीने की पूरी यात्रा चलती है हर गांव में। अच्छा 50-65 साल में वो यात्रा मांगता है। कितने साल में। अरे 20-22। अच्छा 20-22 साल में। 23 साल बाद है। अच्छा तो ये है भगवान जी की कंडी। भगवान जी के फरड़े कहते हैं ना, स्वरूप है। स्वरूप है तो निशान कह सकते हैं। हाँ ये माँ भगवती का स्वरूप है। और हाँ जी हाँ, और ये है भंकुर जो कि बसते हुए चलता है देवी के साथ में। हाँ तो आप जैसे हर गांव में जाएंगे तो एक दिन हर गांव में रुकेंगे। अच्छा जब तक धूप रहेगी तब तक चलता रहेगा। अच्छा जैसे सूर्यास्त के बाद नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, दर्शन भी हो गए और शादी में भी आ गए भाई। तो ऊपर मैंने अच्छे से भगवान के दर्शन भी हो गए, साथ में दर्शन भी करा दिए। तो अभी मैं क्या प्लान कर रहा हूँ यहाँ से निकलने का, क्योंकि बारात तो बहुत टाइम बाद जाएगी और मुझे आज घर निकलना है तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। खाना देखते हैं नीचे, अगर रेडी हो गया होगा तो चलते हैं, नहीं तो अदरवाइज निकलते हैं फिर यहाँ से ना। तो जहाँ पर जिस गाँव में बारात आ रखी थी वो गाँव कुछ इस तरीके से दिखता है। काफ़ी खूबसूरत गांव, बहुत सुंदर। गांव का नाम है जल्लू और अभी अपने निकलने की तैयारी हो चुकी है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। और मेरा ये था कि 1:30 बजे तक निकल जाऊंगा यहां से, लेकिन भाई 2:30 बजने वाली है, अब देखो क्या होता है। तो अभी मेरी निकलने की तैयारी हो चुकी है, अब ऐसा करते हैं कि सीधा घर को निकलते हैं। और ये कल को आपको तो वीडियो देखने को मिल ही जाएगा। बीच में अच्छे सीन हैं लेकिन अभी के टाइम पर अब मैं रुक नहीं पाऊंगा शायद रास्ते में, अब सीधा घर जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है फिर भी।
और अकेले जाना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ ये है। से देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। तो अभी ऐसा करते हैं कि व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो विज़िट कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना साथ में, और फेसबुक पेज पर विज़िट कर लेना। फेसबुक पेज पर हमारे 6800 फॉलोवर फैमिली हो चुकी है, जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो बी ए पार्ट ऑफ ऑल्सो फेसबुक पेज, राइट। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।